1.3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। सेकंड में देखिए डेरिवेटिव चैप्टर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या है ये फंक्शन दिए, ठीक है, मेरे को चार फंक्शन दिए यहाँ पे। तो क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू एक्स का पावर ई प्लस एक्स का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर ई। देखिए एक्स का पावर ई है एंड एक्स का पावर कोई तो भी अलग नंबर है, ठीक है ना। एंड इसका मतलब होता है एक्स का पावर समझो ई एन के फॉर्म में है। तो एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, एन आगे आता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, इसका डेरिवेटिव का फार्मूला है। ओके ये ठीक है, ये आ जाएगा आपको। ये एक्स का पावर एक्स का मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन, इसको सॉल्व करते नहीं आता अपने को डायरेक्ट। तो इसको अपने को लॉग लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ई का पावर एक्स, ई का पावर इसका डेरिवेटिव ई का पावर एक्स ही होता है, क्या होता है ई का पावर एक। बाद में क्या दिया है ई का पावर ई, कॉन्स्टेंट का पावर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कभी भी क्या आता है जीरो आता है, क्या आता है जीरो आता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, ऐसा आएगा बोलने के बाद, यानी इधर क्या होगा ये n के जगह क्या है अभी e, यहाँ पे e आएगा, यहाँ पे e आएगा, यहाँ पे e आएगा। ओके हाँ ये भी आ गया, इसको लॉग लगाना पड़ेगा, इसका भी आ गया और इसका भी जीरो आ गया है, ठीक है। तो अपन इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ x का पावर e प्लस d dx ऑफ x का पावर x प्लस d dx ऑफ e का पावर x प्लस d dx ऑफ e का पावर e। तो यह क्या हो जाएगा dy by dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy by dx, d dx ऑफ x का पावर e। अभी बताया अपन ने क्या होगा e into x का पावर e minus 1, e into x का पावर e minus 1 प्लस इसको अपने को सॉल्व करते नहीं आता। तो d dx ऑफ x का पावर x ही हो, ओके प्लस डी डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स होता है प्लस डी डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स कितना होता है जीरो, क्या होता है जीरो। अब उसके बाद में ये हो गया, ए भी हो गया, इसको नंबर एक दे देंगे अपन, अभी इसको सॉल्व करते नहीं आता। तो नाउ या लेट एक्स का पावर एक्स एंड इसको ऊपर यू बोलेंगे, यू इज इक्वल टू एक्स का पावर एक्स, हो गया। ये होने के बाद में इसको क्या करेंगे टेकिंग लॉग, क्या करेंगे टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अपन दोनों साइड क्या करेंगे लॉग लगा देंगे, क्या लगा देंगे लॉग लगा देंगे। तो क्या होगा लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का पावर एक्स। तो लॉग यू जैसे का वैसा ही रहेगा, देखो एक लॉग ऑफ एक्स का पावर एक्स है, एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ log of u is equal to d dx of x into log of x। तो d dx of log of u की वैल्यू थी 1 by u du by dx is equal to d dx of first into second, क्या होता है first into d dx of second plus second d dx of first। आपको फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ u into v d dx of u into v, क्या होता है u ddx of v plus v ddx of u, ठीक है ऐसा। तो क्या होगा ये जो u है डिवाइड का इंटू में जाएगा, तो क्या बचा du by dx is equal to u इधर आ जाएगा into x into ddx of log x, क्या होता है 1 by x होता है plus log x जैसे का वैसा into ddx of x कितना होता है 1, उसका आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तो देखिए डी यू बाई डी एक्स जैसे का वैसा रहेगा, यू की वैल्यू कितनी है यू की वैल्यू एक्स का पावर एक्स है, क्या है एक्स का पावर एक्स है इंटू एक्स एक्स क्या हो गया कैंसर, क्या बचा वन प्लस लॉग एक्स इंटू वन कितना होता है लॉग एक्स होता है, कितना होता है लॉग एक्स होता है। ओके हो गया, ये आपको समझो सेकेंड समझो, इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट बोले उसको सेकेंड बोलेंगे। ये डी यू बाई डी एक्स है एंड देखो यार इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एक्स का मतलब होता है यू, इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ यू तो डी यू बाई डी एक्स ही होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है फर्स्ट आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर ई इंटू एक्स का पावर ई माइनस वन प्लस डी डी एक्स ऑफ
u d dx ऑफ u क्या होगा, x का पावर x इंटू वन प्लस log ऑफ x प्लस e का पावर ex प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। ओके अच्छा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। पहले देखो फंक्शन का पावर फंक्शन है और यहाँ पे भी फंक्शन का पावर फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसका आपको फॉर्मूला पता है e का पावर x कितना होता है, e का पावर x होता है, तो सम सॉल्यूशन लिखिए उसके बाद में लेट y इज इक्वल टू x का पावर x प्लस e का पावर x का पावर x। ओके इसके ऊपर हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ x का पावर x प्लस d dx ऑफ e का पावर x। ओके तो ये क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू d dx ऑफ x का पावर x है, फंक्शन का पावर फंक्शन का पावर फंक्शन, इसको अपने को ये पता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे इसको u लिखेंगे d dx ऑफ u, क्या कर दिए u कर दिए। ओके इसकी वैल्यू क्या आ गई u आ गई। ओके प्लस इसका अपने को फॉर्मूला पता है d dx ऑफ, बताइए आप e का पावर x का डेरिवेटिव कितना आता है, e का पावर x ही आता है ना, इसका मतलब इसका क्या आएगा e का पावर x और d dx ऑफ फंक्शन में x ही है क्या, नहीं d dx ऑफ और आया x का पावर x। ओके तो अभी dy by dx is equal to d dx of u plus e का पावर x d dx of इसको v बोल दिया, अपने क्या बोल दिए इसको u बोल दिए इसको v बोल दिए, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये नंबर फर्स्ट नंबर देंगे, क्या नंबर देंगे नंबर फर्स्ट, तो लेट u equal to क्या आपका u equal to x का पावर x, इसमें क्या करेंगे अपन log लगाएंगे, क्या लगाएंगे log, taking log on both side, taking log on both side, तो क्या होगा log लगाएंगे तो अपन log of u is equal to log of x का पावर x, ठीक है, क्या हो जाएगा log of u जैसे का वैसा is equal to log of x का पावर जो भी रहेगा वो पूरा आ गया जाएगा, एंड क्या आ गया है x का पावर x into log of x। ओके उसके बाद इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखो ये पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, तो डी डी एक्स ऑफ ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दस बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरी भी लिख सकते थे अभी, डी डी एक्स ऑफ इसको भी डायरी लिखता हूँ मैं, डिफरेंशिएट कर दिया समझो क्या आएगा वन बाई यू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। डायरेक्ट देखो इधर ये u तो इधर जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे du by dx equal to u into x का पावर x तो रहेगा ही, d dx of log of इसका होता है 1 by x plus log of x रहेगा, और d dx of x का पावर x इसको भी सॉल्व करते हैं नहीं आता, ये कैसे दिख रहा है आपको, ये यहाँ दिख रहा है u के जैसा दिख रहा है वही आया, तो हम इसको ऐसे रखेंगे, देखिए d dx of इसको क्या बोलते हैं अपने v, क्या बोलेंगे इसको v के जैसे दिख रहा है आपको, तो v बोल दिए इसको, ठीक है, इसको नंबर वन बोले सेकंड, क्या नंबर बोल दिए इसको अपने सेकंड नंबर बोल दिए, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, चलो सेकंड हो गया, अब अपन सॉल्व करेंगे, देखो अपने को du एंड यू की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है, अब क्या करेंगे अपन वी की वैल्यू निकालेंगे, तो वी की वैल्यू ये वाली यहाँ पे भी यूज होंगी और यहाँ पे भी यूज होंगी, ठीक है ना, तो इसको अपन और लेट वी इक्वल क्या है एक्स का पावर एक्स, इसको भी लगाएंगे टेकिंग लॉ ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का पावर x, तो log of v is equal to x आ गया जाएगा x into log of x। ओके तो इसको अपन क्या करेंगे अभी डिफरेंशिएट, क्या कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 1 by v dv by dx is equal to first into d dx of second plus second d dx of first, तो dv by dx is equal to ये v इधर जाएगा into x
इंटू वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन, ओके। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी की वैल्यू क्या है एक्स का पावर एक्स, वी की वैल्यू क्या है एक्स का पावर एक्स इंटू एक्स क्या हो गया कैंसल वन प्लस log x into 1 log x, okay? ये number दे दिया अपने third equation को अपने को काम करना पहले second में, क्योंकि ये अपना complete होने को पहले, ठीक है ना? अब लोग du by dx तो मिल गया, ठीक है, ये हो गया आपका, लेकिन अभी from second and third तो क्या है आपका du by dx है, क्या है ये du by dx is equal to u की value क्या है बताइए पहले, u की value है x का power x x का पावर x का पावर x इंटू x का पावर x बाय x प्लस log of x इंटू d dx of v, d dx of v कितना आया है, कितना सारा है x का पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आपका हो चुका है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका du by dx आया, क्या आया du by dx, ओके। हाँ, अभी ये इसको नंबर देंगे अपन, सब फोर्थ नंबर देंगे, अब थर्ड एंड फोर्थ dv by dx du by dx कहाँ पे करेंगे अपन, फर्स्ट में, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। चलो इतना मैं डिलीट मारने वाला और लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपन यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्या है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू डी यू बाई डी एक्स, ये पूरा जैसे का वैसा लिख देंगे अपन, ठीक है। क्या है एक्स का पावर कितना है यहाँ पे, इसको और एक्सटे बढ़ा सकते हैं, ध्यान से देखना इधर, यहाँ पे एक्स का पावर एक्स है, यहाँ पे भी एक्स का पावर एक्स है, दोनों देखो प्लस आए हैं यहाँ पे एक्स का पावर एक्स दोनों में है, कॉमन निकाल सकते हैं अपन एक्स का पावर एक्स, ओके। यहाँ पे एक्स का पावर एक्स है ना, एक्स पावर एक्स बाय एक्स प्लस एक्स का लॉग एक्स का पावर एक्स दोनों में है, तो इसको और बढ़ा देंगे अपन डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एक्स इंटू एक्स का पावर एक्स, क्या बचा अभी 1 by x ही बचा, क्या बचा अभी 1 by x plus log x into 1 plus log of x, okay, ये number देंगे अपन 4, ठीक है। अभी इसको यहाँ लिखेंगे, क्या होगा x का power x into x का power x 1 by x plus log of x into 1 plus log x, ठीक है। ये आपका क्या हो गया पूरा डी यू बाई डी एक्स प्लस, और ये प्लस साइन आएगा प्लस ई का पावर एक्स का पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वी, बोलिए डी डी एक्स ऑफ वी कितना है एक्स का पावर इंटू वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है। आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। एक मिनट, आपके बुक के आंसर के हिसाब से यहाँ पे log x कॉमन निकला है, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद की स्टेप और एक स्टेप निकलेगी, dy by dx is equal to x का पावर x into x का पावर x है, या दोनों में से या एक log x कॉमन आया है आपके बुक के आंसर के हिसाब से, ये भी आंसर बराबर है, लेकिन देखिए log x जब अपन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे log x क्या नहीं है, तो यहाँ पे डिवाइड में करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा डिवाइड में करना पड़ेगा, समझो अपने log x कॉमन निकाले, ठीक है ना। यहाँ पे तो log x था ही नहीं, था क्या log x नहीं था, तो अपने लॉग एक्स ऐसे निकाले, इसका मतलब ऊपर इंटरेस्ट निकाले तो क्या है डिवाइड में लॉग एक्स करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस लॉग एक्स तो निकल चुका है बाहर, क्या बचा अभी वन प्लस लॉग एक्स प्लस ये वाला लिखेंगे ई का पावर एक्स का पावर एक्स इंटू एक्स का पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, ओके। चलो ठीक है, ये आंसर आपका बन रहा है। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना।
देखो क्या दिया है, log of x का पावर x cot x का पावर cos of x का पावर cot x, ठीक है ना। फंक्शन का पावर फंक्शन और फंक्शन का पावर फंक्शन है, इसमें भी हम क्या करेंगे log लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात उसको सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट y = log of x का पावर x minus cos x का पावर cot x, ओके। तो सबसे पहले बात देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, इसको पहले देखो y = इसको u बोल देते हैं, माइनस को v बोल देते हैं, ठीक है। इसको u बोल दिया, इसको v बोल दिया, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, अभी क्या होगा dv / dx du / dx, ओके। तो देखिए अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy / dx = ddx ऑफ u प्लस d माइनस ddx ऑफ v, समझ में आ गया। इसको नंबर देंगे अपन फर्स्ट, ओके। तो लेट u का मतलब क्या है आपके पास में, u का मतलब है log of x का पावर x, log of x का पावर x, इसको अपन क्या करेंगे अभी और डिफरेंशिएट टेकिंग log लगाएंगे, क्या लगाएंगे log, log तो है बोलेंगे, लेकिन पूरे देखो जैसा ऐसा रहता log of x का पावर x रहता ना तो ठीक है अपन log नहीं लगाते, लेकिन ये पूरा फंक्शन का पावर फंक्शन है, पूरा फंक्शन एक में है, log of x का पावर नहीं, पूरा log of x का पावर है वो, ठीक है, सिर्फ x का पावर नहीं है, फंक्शन का पावर फंक्शन है, इसलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x का पावर x, तो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ लॉग x। अब इसको क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएट, क्या करेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ log of u इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू log of log x, ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। क्या होगा डी डी एक्स ऑफ log u का मतलब होता है 1 बाई यू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड लिख लो डायरेक्टली, तो आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव ठीक है, देखो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव क्या था लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो वन बाय लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, लॉग एक्स है, एक्स है क्या, नहीं लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा वन बाई एक्स, कितना आएगा वन बाई एक्स प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना है, एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा, हो गया। यू का जाएगा इधर, तो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू एक्स, और एक्स क्या हो गया कैंसल, क्या बचा वन बाय लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट, इसमें यू की वैल्यू पुट कर देंगे अपन, du by dx is equal to u की वैल्यू कितनी है आपके पास में log of x का पावर x, तो लिख देंगे log of x का पावर x into क्या है यहाँ पे 1 by x, 1 by log x plus log of log x ओके, ये हो गया आपका du by dx निकल चुका है, ठीक है। इसको नंबर दे देंगे अपन सेकेंड, सेकेंड अभी और लेट v इज इक्वल टू क्या है v की वैल्यू cos x का पावर cot x का पावर cos x का पावर cot x, ठीक है, फंक्शन का पावर फंक्शन, क्या करेंगे इसको अपन log लगाएंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड क्या होगा log of v is equal to log of cos x का पावर cot x, ओके। तो log of v रहेगा, cot आगे जाएगा cot x into log of cos x, ओके। हो गया आपको a into b का फॉर्म में आ गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 1 by v dv by dx is equal to
फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ओके तो ये डी वी बाई डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा, वी उधर जाएगा इनटू, देखिए ध्यान से, इधर कॉटेक्स का कॉटेक्स रहेगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ है तो वन बाय आएगा, लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स, लॉग एक्स लॉग ऑफ कॉट का क्या वन बाय कॉस, वन बाय कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये एक्स है क्या, नहीं ये कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, क्या आता है माइनस साइन एक्स। ओके प्लस ध्यान से देखना कॉट का कॉट जैसे वैसा डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस वन बाय कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है तो देखिए डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी, तो वी रहेगा, ध्यान सुन लो इधर ए वी की वैल्यू हम लिख सकते हैं, जगह नहीं होगी बाद लिखते हैं, चलिए वी इंटू लिख ही देते हैं, वी की वैल्यू आप कॉस एक्स का पावर कॉट एक्स इंटू, देखो ये कॉट है बराबर है, साइन बाय कॉस क्या होता है टैन होता है, क्या होता है टैन, ये माइनस साइन है इंटू में पूरा माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन है ना, ये माइनस बाहर निकल गया, ये आया माइनस इधर, ठीक है माइनस इंटू प्लस माइनस होता है आ गया माइनस बाहर, कॉट कैसा समझ लो, कॉट का मतलब क्या था समझने के लिए बोल रहा हूँ, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, क्या होता है कॉस एक्स बाय साइन एक्स, साइन एक्स और इधर क्या है साइन एक्स इक्वल साइन एक्स बाय कॉस एक्स बराबर है, साइन साइन कैंसिल कॉस कैंसिल हो या नहीं हुआ, ठीक है तो इसका मतलब बचा क्या है फिर वन, क्या बचा वन, इसका मतलब डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, कॉट का मतलब कॉट ही रहेगा थोड़ी देर के लिए, साइन बाय कॉस टैन होता है, ठीक है टैन होता है, और कॉट का मतलब क्या होता है वन बाय टैन होता है, तो क्या हो गया कैंसल, क्या हो गया कैंसल, ऐसा देखो तुम बस कॉट का मतलब होता है साइन एक्स बाय, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बचा साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस, सॉरी ना प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया इधर लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके उसके बाद में डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन है साइन में रखना है माइनस कॉस एक्स का पावर कॉट एक्स इंटू कॉस कॉस कैंसिल साइन साइन कैंसिल बचा वन माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके किसकी वैल्यू हो गई है डी वी की, वी की वैल्यू हो गई, ये हो गया ये भी मिल गया आपको, ठीक है ना, और एक बात ध्यान सुन सकते हो तुम, एक काम कर सकते हैं क्या, इसको अपन इससे इंटू कर सकते हैं, इसको इससे भी इंटू कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, चलो ये डील मार देता हूँ मैं भी, ऐसा करो ये माइनस साइन यही पे रखो थोड़ी देर के लिए, माइनस बाहर मत निकालो, यही माइनस में रख दो, ठीक है एक काम आएगा बाद में, चलो ठीक है ये माइनस याद रखो, तो ना फ्रॉम ये नंबर को दिया अपन ने थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स कितना आया इतना आया क्या है log x ऐसा कर दो, देखो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है दोनों में माइनस बाहर निकाले क्या निकल जाएगा प्लस रहेगा, चलो एक स्टेप बढ़ देते इधर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ से भी देखो जब माइनस क्यों दिया तुमने दिया यहाँ पे क्योंकि ये माइनस दे तो ये इधर प्रॉब्लम आता है ठीक है ना क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर में है दोनों माइनस में तो प्लस प्लस बचेगा यहाँ का माइनस बाहर निकाले अपन ने ठीक है तो क्या आ जाएगा माइनस बाहर निकल गया क्या बचा कॉस एक्स का पावर कॉट एक्स इंटू प्लस वन बचा प्लस आएगा दोनों माइनस निकल चुका है इधर बाहर लॉग ऑफ
कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड नंबर। कौन सा नंबर हो गया? थर्ड नंबर, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड dy by dx is equal to du by dx कितना है बोलिए, log of x का पावर x into 1 by log x plus log of log x, ये हो गया। उसके बाद में माइनस है, यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स कितना आया है, माइनस पहले आ गया, माइनस माइनस प्लस जैसेगा वैसा, कॉस एक्स का पावर कॉट एक्स इंटू वन प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए, सेकंड या थर्ड है, क्या पुट किए du by dx की वैल्यू, और dv by dx तो माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और dv by dx की वैल्यू यहां रखे पहले, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें भी अपन, फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन आया है, ठीक है ना, इसको अपन यू बोलेंगे, इसको वी बोलेंगे, लॉग लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लेट y is equal to x का पावर e का पावर x plus log of x का पावर sin x, तो अपन इसको बोलेंगे y is equal to, इसको बोलेंगे u plus v, क्या बोलेंगे u plus v, इसको भी सॉल्व करते नहीं आता, इसको भी सॉल्व करते नहीं आता, बोलिए u plus v, इसको अपन क्या करेंगे अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx, हो गया नंबर फर्स्ट कर दिए, इसको कह दिए नंबर फर्स्ट। तो लेट, अभी लेट u की वैल्यू बताइए, क्या है u की वैल्यू, x का पावर e का पावर x है, इसको क्या करेंगे अपन, टेकिंग लॉग लगाएंगे, क्या लगाएंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ओके, तो क्या हो जाएगा log of u is equal to log of x का पावर ex, ex पूरा आगे आएगा, तो log of u is equal to e का पावर x आगे आ गया, क्या बचा है पे log of x बचा, क्या बचा log of x, इसको क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 1 by u du by dx, du by dx, इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, क्या हो जाएगा देखो u इधर जाएगा अभी, तो ठीक है, तो du by dx is equal to u उधर चले गया, क्या बचा है पे e का पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x का होता है 1 by x plus log x तो log x ही रहेगा, dx of e to the power x कितना होता है, e to the power x ही होता है कि नहीं होता, ध्यान से देखना इधर, e to the power x इधर भी है, e to the power x इधर भी है, दोनों में कॉमन निकलेगा, तो du by dx is equal to u तो है, u कितना है x का पावर e का पावर x, x का पावर e का पावर x, हो गया, और यहाँ पे e to the power x कॉमन निकल गया ऐसा, तो क्या बचा यहाँ पे 1 by x plus log of x बचा, ओके, ये नंबर हो गया आपका सेकंड, क्या हो गया आपका नंबर सेकंड, हो गया आपको आप u मिल गया, अब क्या लिखेंगे अपन v, लेट v इज इक्वल टू क्या है v की वैल्यू, log of x का पावर sin x, log of x का पावर sin x, तो क्या हो जाएगा इसको भी अपन टेकिंग लॉग लगाएंगे, टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both side, क्या होगा log of u is equal to log of log x का पावर sin x, sin x किधर आएगा आगे में, क्या हो जाएगा log of u is equal to sin x आगे आ गया into log of log x, इसको क्या करेंगे अपन अभी differentiate, क्या करेंगे differentiate, differentiate करेंगे तो क्या होगा differentiate with respect to x, क्या हो जाएगा 1 by v dv by dx is equal to फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये भी किधर जाएगा अभी उधर, ठीक है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू v, उधर गया क्या बचा sin x ddx ऑफ log ऑफ x, क्या होता है log ऑफ log x 1 बाय log x, और log x का डेरिवेटिव और 1 बाय x हो गया, प्लस क्या हो जाएगा log ऑफ log x, और sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x होता है, क्या होता है cos x, हो गया आपका आंसर। dv बाय dx इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है log x का पावर sin x इंटू साइन एक्स इंटू वन साइन एक्स ही होगा, और log x इंटू x x log of x, प्लस हो गया आंसर log of log x इंटू cos x, ओके ये आपका हो गया थर्ड नंबर, कौन सा नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, dv by dx du by dx du by dx dv by dx, ओके ये वैल्यू जैसी की वैसी यहां पुट करेंगे, ये वैल्यू जैसी की वैसी यहां पुट करेंगे, ओके तो लिखेंगे यहां पे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहां तो लिखते नहीं आएगा तो मैं ये डिलीट कर देता हूं, इतना देखिए क्या हो जाएगा dy by dx is equal to du by dx की वैल्यू कितनी है नीचे थी डिलीट हो गई, ठीक है ना, तो du by dx की वैल्यू है x का पावर e का पावर x into e का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ओके ये वैल्यू थी, बाद में dv by dx की वैल्यू आपको दी हुई है log of x का पावर sin x इंटू साइन एक्स बाय एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके दैट इज आंसर, ओके यहाँ पे आंसर हो गया इतना बड़ा है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू e का पावर tan x प्लस log ऑफ x का पावर tan x, ध्यान से देखना e का पावर tan x चलता है अपने को, e का पावर x चलता है, ओके e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x आता है, और x का डेरिवेटिव जो भी आएगा वो आएगा आपके बाद में, तो अपन इसको डायरेक्ट में लिख क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy / dx इज इक्वल टू d dx ऑफ e टू द पावर tan x प्लस d dx ऑफ log of x का पावर tan x, ओके तो dy by dx इज इक्वल टू d dx ऑफ e का पावर x ही होता है, x का मतलब tan x, और tan x का डेरिवेटिव कितना आता है, और d dx ऑफ क्या लिखेंगे अपन tan x लिखेंगे, क्या लिखेंगे tan x, ये 10 बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, वैसे भी tan x का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, कितना आएगा sec square x, कितना आता है sec square x होता है, ठीक है प्लस d dx ऑफ log of x का पावर x है नहीं चलेगा, इसको बोलेंगे अपन u, क्या बोलेंगे U बोल देंगे, ओके चलो क्या हो जाएंगे इसका नंबर फर्स्ट देंगे अपन, अभी अपन U को सॉल्व करेंगे, तो लेट U इज इक्वल टू क्या U की वैल्यू log of x का पावर tan x, क्या हो जाएगा log of x का पावर tan x, तो टेकिंग लॉग लगेंगे अभी अपन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बोले क्या हो जाएगा log of U इज इक्वल टू log of log x का पावर tan x, ओके तो log of u रहेगा tan x आगे आ जाएगा tan x into log of log x, ओके डिफरेंशिएट करेंगे अपन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d dx of हो जाएगा, मैं लिख के देता नहीं अभी डायरेक्ट लिख देते अपन d dx of log of u क्या जाएगा 1 by u du by dx is equal to first into second, क्या होता है first into d dx of second plus second into ddx of first, okay? ये u उधर जाएगा क्या बचा है du by dx is equal to u into tan x का tan x रहेगा ddx of log of log x, log of log x, log x रहेगा नीचे में 1 by log x, और log of x का derivative 1 by x plus log of log x into ddx of tan का derivative कितना था sec square x आता है, क्या आता है sec square, अभी देखिए थोड़ी देर पहले अपन ने, ठीक है चलो हो गया आपका आंसर।
डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स का पावर टेन एक्स, लॉग ऑफ एक्स का पावर टेन एक्स है, ओके, लॉग ऑफ एक्स का पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू वन टेन एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस जैसे का वैसा लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर ई एक्स। नंबर सेकेंड डी यू बाई डी एक्स के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम लिखेंगे इधर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट क्या दिया आपको डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या है, फर्स्ट ई का पावर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ यू, डी डी एक्स ऑफ यू इतना सारा आंसर आया है उसका, ठीक है ना, ये लिखेंगे पूरा प्लस लॉग ऑफ एक्स का पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन टेन एक्स अपॉन एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है, टेन एक्स एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो इसमें भी सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू साइन x का पावर tan x प्लस cos x का पावर cot x, ओके, क्या करेंगे इसमें अपन, इसको u बोलेंगे इसको v बोलेंगे, ओके, तो इसको अपन डिफरेंशिएट u और v बोल देते, चलो ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये u हो गया ये v हो गया, इसको अपन क्या करेंगे अभी डिफरेंशिएट, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx, नंबर क्या हो गया ये आपका फर्स्ट, ओके, ले अभी क्या आ जाएगा u इक्वल टू, देखिए क्या है u इक्वल टू sin x का पावर tan x है, क्या है sin x का पावर tan x है, ओके, तो देखिए अब इसको फंक्शन का पावर फंक्शन है इसलिए इसको क्या करेंगे अपन लॉग लगाएंगे, क्या लगाएंगे लॉग लगाएंगे, तो क्या करेंगे टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू का पावर टेन एक्स, टेन एक्स क्या आ जाएगा आगे में, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ओके हो गया, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ओके वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ओके यू जाएगा इधर क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टेन एक्स का मतलब क्या होता है बिल्कुल बताइए मेरे को साइन बाई कॉस क्या होता है साइन बाई कॉस इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्या होता है वन बाय एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ओके प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स और टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ओके देखिए टेन का मतलब साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन का मतलब कॉट होता है, कॉस बाय साइन और इस टेन क्या हो गया कैंसल, जब ये देखे थे अपने ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है साइन एक्स का पावर टेन एक्स इंटू यहाँ क्या बचा वन प्लस क्या बचा उधर लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ओके ये आपका हो गया डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया डी यू बाई डी एक्स। अभी देखेंगे अपन नेक्स्ट ये आपका सेकेंड नंबर क्या हो गया सेकेंड नंबर, अभी देखेंगे वी की बात लेट v इज इक्वल टू
क्या आएगा इक्वल टू कॉस एक्स का पावर कॉट एक्स। क्या करेंगे इसमें अपन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड क्या होगा लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स का पावर कॉट एक्स। ओके कॉस एक्स का पावर कॉट एक्स आगे आ जाएगा वो, तो लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू कॉट इनटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, फर्स्ट इनटू सेकंड के फॉर्म में आ चुका है। इसको अपन क्या करेंगे अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो ये वी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू, देखिए क्या है यहाँ पे कॉट एक्स है, क्या है यहाँ पे कॉट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस वन बाय कॉस आएगा और कॉस का आता है माइनस साइन डेरिवेटिव, क्या आता है माइनस साइन प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स और कॉस एक्स का कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, क्या आता है माइनस कोसेक स्क्वायर आता है, ठीक है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अभी देखिए डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है आपके उसमें कॉस एक्स का पावर टेन कॉट एक्स इंटू, देखिए माइनस है यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस बाहर निकलेंगे समझो, तो इधर भी प्लस बचेगा उधर भी प्लस बचेगा। देखो एक बार साइन बाय कॉस टेन, इधर क्या है कॉट, देखो इसका उल्टा था ये, यहाँ पे क्या था टेन इज इक्वल टू कॉस बाय साइन, ठीक है ना, यानी यहाँ पे था कॉस बाय साइन मतलब कॉट होता था, इधर टेन दिया था कैंसिल हो गया, उसी प्रकार इधर कॉट दिया है साइन बाय कॉस टेन होता है, टेन और कॉट क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ वन वो भी माइनस वाला प्लस माइनस, देखो माइनस साइन है या प्लस है माइनस, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके दोनों में माइनस माइनस है बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का पावर कॉट एक्स इंटू वन प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके ये आपका नंबर थर्ड हो गया, क्या हो गया थर्ड, ये किसके लिए हुई डी वी बाई डी एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स, यहाँ जाके अपन क्या करेंगे इनको पुट करेंगे। ओके फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो डीवी बाय डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो डी यू बाई डी एक्स कितना था अपने क्लियर मार दिया उसको, क्या था साइन एक्स का पावर टेन एक्स था इंटू वन प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स था, ठीक है ये आपका डी यू बाई डी एक्स हो गया, प्लस डी यू बाई डी एक्स कितना है देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है माइनस कॉस एक्स का पावर कॉट एक्स इंटू वन प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके यहाँ पर सेकंड हो गया आंसर, ठीक है नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। देखो टेन का पावर एक्स का पावर एक्स, एक्स का पावर एक्स का पावर टेन और एक्स का पावर टेन का पावर एक्स, ठीक है यहाँ पे फंक्शन देखो ये का पावर एक्स है यहाँ पे ये चल सकता है ए का पावर एक्स, इसका फार्मूला ए का पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स, ठीक है इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले देखो सबसे पहले इसको लेट वाई इज इक्वल टू क्या दिया है टेन का पावर एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर टेन प्लस एक्स का पावर टेन का पावर एक्स, समझो इनको बोलते हैं इसको यू बोलेंगे वी बोलेंगे इसको डब्ल्यू बोलेंगे, चलो ठीक है U प्लस V प्लस W तीनों को बोल दिया अपन ने U प्लस V प्लस W, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स नंबर फर्स्ट दे देंगे इसको, क्या दे देंगे फर्स्ट। तो ले पहले अपन देखेंगे u के बारे में, किसके बारे में u, बोलिए u की वैल्यू कितनी है, 10 का पावर x का पावर x, इसको अपन देखिए ध्यान से इसका आंसर क्या है, u 10 का पावर x का पावर x है, 10 इज अ कांस्टेंट नंबर, इसका मतलब होता है a का पावर x, क्या होता है a का पावर a होता है, ठीक है ना। तो a का पावर x का फार्मूला आपको पता है, ठीक है, या पहले इसको लॉग लगा देंगे तो भी चलेगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है ना, टेकिंग लॉग लगेंगे अपन, चलो ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगे क्या जाएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 का पावर x का पावर x, x का पावर x क्या जाएगा अगेन, तो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू x का पावर x इन टू लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव पहले बाहर निकलता है, ठीक है, एंड डेरिवेटिव रहता है तो बाहर निकलता है, इसको अपन डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे अभी, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d dx ऑफ log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ 10 बाहर आएगा और d dx ऑफ x का पावर x, आपको पता है ना d dx ऑफ समझो ऐसा है 2x है, तो 2 बाहर निकलता है और d dx ऑफ क्या बचता है x बचता है, क्या बचता है x, ओके okay? उसी प्रकार 2 बाहर निकल गया, उसी प्रकार log 10 निकल गया बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब आपको क्या मिला और d dx ऑफ x का पावर x, x का पावर x है मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन है, और बोलेंगे अपन इसको समझो और लेट क्या क्या हो गया u v w, चलो m ले लेते हैं, m इज इक्वल टू क्या बोले x का पावर x और बोल दिया अपन, ठीक है, इसका नंबर फर्स्ट था, इसका नंबर मैंने सेकंड दे दिया, x का पावर x, इसको और क्या करेंगे अपन, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, log of m is equal to log of x का पावर x, x का जाएगा आगे में, तो log of m is equal to x into log of x, इसको क्या करेंगे अपन अभी differentiate करेंगे, क्या करेंगे differentiate, तो differentiate with respect to x, तो क्या हो जाएगा 1 by m, ठीक है, dm by dx, 1 by m dm by dx, 1 by m dm by dx is equal to ddx of first into second, क्या होता है first into ddx of second plus second into ddx of first, तो m भी इधर जाएगा, तो क्या बचा dm by dx is equal to m into x तो रहेगा ही, ddx of log x क्या होता है 1 by x plus log of x into ddx of x कितना होता है 1, dm by dx m की वैल्यू कितनी है आपके पास में, x का पावर x into x क्या हो गया कैंसल 1 plus log of x, ये dm by dx की वैल्यू है, dm by dx ये यहाँ पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये नंबर दे देंगे अपन थर्ड, अभी क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे from second and third, तो second में क्या है आपको दिया d dx of log of u, d dx of log of u is equal to log of 10 into d dx of x का पावर x, d dx of log of x का मतलब x का पावर x होता है, इसका आंसर आ चुका है आपका क्या x का पावर x into 1 plus log x, ठीक है। अभी इसका डेरिवेटिव कितना आता है 1 by u du by dx is equal to log of 10 into x का पावर x into 1 plus log x, u का जाएगा उधर, ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा du by dx is equal to u चले भी गया समझ लो और उसकी वैल्यू भी हम पुट कर देंगे डायरेक्ट पेज, ठीक है, लिख दो एक्सप्रेशन दो u into log of 10 into x का पावर x into 1 plus log x, अभी du by dx is equal to u की वैल्यू कितनी है 10 का पावर x का पावर x into log of 10 x का पावर x into 1 plus log of x, हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सभी इंटू में तो सभी सभी इंटू में जाए पूरे के पूरे,
दिए तो भी ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक है, चलता है। ये नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? फोर। सिर्फ डी यू बाई डी एक्स ही निकला है, अभी डी भी निकालना है और डी डब्ल्यू निकालना है, ठीक है ना। ये एक स्टेप हो गई, लिख लो इतना। नेक्स्ट देखते हैं अभी अपन, यू के जगह भी वी आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे लेट वी इक्वल टू कितना दिया आपको, x का पावर 10। क्या करेंगे इसको भी, सो लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का पावर 10। तो लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू x का पावर 10 इंटू लॉग ऑफ x, चलता है। x का पावर 10 का मतलब x का पावर n होता है, कैडर डेरिवेटिव का n इनटू x का पावर n माइनस 1, इसका फार्मूला है, ओके। तो अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, 1 बाय v dv बाय dx इज इक्वल टू x का पावर, देखिए ये इनटू b के फॉर्म में है ना, ये ddx ऑफ यानी फर्स्ट ddx ऑफ सेकंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, हाँ ये वी किधर जाएगा, उधर, क्या बचेगा अभी, डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एक्स का पावर 10 है, इसका मतलब एक्स 10 बार है, कितने बार है, 10 बार, बराबर समझते ना, एक्स कितने बार है, 10 बार है, इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कितना होता है, 1 बाय एक्स होता है, कितना होता है, 1 बाय एक्स होता है, प्लस लॉग ऑफ एक्स जैसे का वैसा ही आएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ x का पावर 10, बोला भी मैंने x का पावर n था, यहाँ पे मैंने 10 लिखा, क्या लिखूंगा 10, इधर कितना आएगा 10, इधर कितना आएगा 10, तो क्या बचेगा 10 x का पावर 10 माइनस 1 9, समझ में, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 10 x का पावर 9, ओके। उसके अंदर देखिए, अभी मैंने बोला आपको कि x कितने, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x और यहाँ का 10 में से कैंसिल हो गया, क्या बचा देखिए ध्यान से, du by dx is equal to u की वैल्यू कितनी है, x का पावर 10 कितना बचा यहाँ पे, x का पावर 9 प्लस log of x into 10 x का पावर 9 दोनों में है कॉमन निकल जाएगा, तो du by dx is equal to x का पावर 10 into x का पावर 9, क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस 10 तो बचा है, क्या बचा है 10 को अपन आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना, 10 log of x, ओके, हो गया आपका सेकंड फिफ्थ नंबर, यानी आपको क्या मिला अभी, वी मिल चुका है, dv by dx भी मिल चुका है, ठीक है। अब क्या सॉल्व करेंगे अपन, w, क्या सॉल्व करेंगे w, ओके, ये दो स्टेप ध्यान में रखना है, और चलो अब मैं डिले मारता हूं इसको, ठीक है। नेक्स्ट और लेंगे लेट w इज इक्वल टू x का पावर 10 का पावर x, ओके, इसको क्या करेंगे अपन, और टेकिंग लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या होगा, log of w is equal to log of x का पावर 10 का पावर x, हाँ क्या हो जाएगा, log of w is equal to 10 का पावर x, क्या है यहाँ पे, a का पावर x आया ना, a का पावर x का डेरिवेटिव पता है आपको, क्या होता है, a का पावर x into log of a, ये की जगह यहाँ पे कितना है 10, तो ये कितना आएगा 10, यहाँ कितना आएगा 10, 10 का पावर x log of 10 इसका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है ना, इसका तो देखते बाद में समझ में आ जाएगा, into log of x, हो गया फर्स्ट, और क्या हो गया सेकंड, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
क्या हो जाएगा, 1 बाय डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन का पावर एक्स। डब्ल्यू उधर जाएगा, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू टेन का पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू 1 बाय एक्स। क्या होता है 1 बाय एक्स। चलिए इधर लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, और लॉग ऑफ एक्स तो लॉग ऑफ एक्स रहेगा, डी डी एक्स ऑफ टेन का पावर एक्स कितना होता है अभी बताया था मैंने यहाँ पे, ए का पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स क्या होता है, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। यहाँ पे कितना है टेन का पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा टेन का पावर एक्स लॉग ऑफ टेन। ओके हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन का पावर एक्स लॉग ऑफ टेन। ओके टेन का पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ टेन। ओके इधर भी 10 का पावर x है, इधर भी 10 का पावर x है, दोनों में है वो कॉमन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, इसके बाद में डायरेक्ट ऊपर लिख देना ठीक है। आपको देखो क्या होगा, dw dx इक्वल टू w की वैल्यू कितनी है x का पावर 10 का पावर x, उसके बाद में दोनों में से देखो ध्यान देना 10 का पावर x, 10 का पावर x कॉमन निकालेंगे अपन ठीक है ना, तो कितना कॉमन निकाले 10 का पावर x, क्या बचा रहे यहाँ पे 1 बाय x, क्या बचा 1 बाय x प्लस log x log 10, log x log 10, ये आपका नंबर हो गया छठवा, कौन सा नंबर हो गया छठवा नंबर हो गया ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, फ्रॉम फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फ्रॉम फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। ओके तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर पूरे लिखना है ठीक है। हाँ क्या होगा 10 का पावर x का पावर x log ऑफ 10 x का पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x प्लस डी यू बाई डी एक्स कितना है x का पावर x इंटू x का पावर 9 1 प्लस 10 log ऑफ x प्लस डी यू डब्ल्यू बाई डी एक्स कितना है x का पावर 10 का पावर x इंटू 10 का पावर x इंटू 1 बाय x प्लस log ऑफ x इंटू log ऑफ 10, ये इसका आंसर है ठीक है। ठीक है ये डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ चुकी है ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन एक, हाँ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन का पावर फंक्शन का पावर फंक्शन है आपको दिया ठीक है ना, तो इसको भी अपन लगाएंगे। देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू टैन एक्स का पावर टैन एक्स का पावर टैन एक्स। ओके चलिए आइए एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स उस टाइप में ये, इसको भी क्या करेंगे अपन टेकिंग लॉग, क्या लगाएंगे लॉग लगाएंगे, तो क्या होगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स का पावर टेन एक्स का पावर टेन एक्स। आप इसको इंटू करते आता है आपको ठीक है, दोनों के दोनों आ जाएंगे इधर आगे आ जाएंगे ठीक है ना, क्या आ जाएगा लिख लो देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड को क्या लगाया लॉग लगाया, तो क्या हो जाएगा समझ लो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू टेन एक्स और टेन एक्स ये आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा टेन एक्स का पावर टेन एक्स इंटू क्या बचा लॉग ऑफ टेन एक्स बचा लॉग ऑफ
टेन एक्स बचा, ओके। लॉग ऑफ टेन एक्स बचने के बाद में अभी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, हो गया फर्स्ट और सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा, तो क्या लिखेंगे अपन, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ओके। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई जैसे कर सकते थोड़ी देर के लिए, क्या होगा इसका, वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स होगा, होगा इज इक्वल टू टैन एक्स का पावर टैन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ टैन, क्या होता है, वन बाय टैन होगा, वन बाय टैन, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस जैसे का वैसा log of tan x into ddx of, देखिए अभी और आया x का पावर x, तो ddx of x का पावर x आया, इसका मतलब और लिखेंगे ddx of, जिसमें अपन u का यूज किए क्या, नहीं इसको बोल देते u, क्या हो गया ये u हो गया। अभी इसको और डेरिवेटिव करेंगे, इस नंबर फर्स्ट दे देते हैं, लेट u इज इक्वल टू क्या, u इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, tan x का पावर tan x, tan x का पावर tan x होगा, ठीक है, तो टेकिंग लॉग ये भी आएगा और ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसमें लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x का पावर tan x, ठीक है, tan आ गया जाएगा, तो tan x इंटू log ऑफ tan x, तो इसको भी क्या करेंगे अपन, ये log ऑफ u आ गया, इसको डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय u du बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट क्या हो जाएगा, tan x ddx of second and 1 by tan x or tan का derivative sec square x plus क्या जाएगा, log of tan x into tan का derivative sec square x, okay। तो भी देखिए यहाँ पे tan x है और यहाँ पे tan x है, tan x ने क्या जाएगा, cancel हो गया, तो क्या बचा, यहाँ ही लिखना पड़ेगा अपने को, x से पढ़ देता हूँ, देखिए du by dx is equal to, ये वन बाय यू क्या जाएगा, इधर यू हो जाएगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बचेगा सिर्फ, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या बचेगा, लॉग ऑफ टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ओके, लॉग ऑफ, नहीं तो और देखो ध्यान से इधर, ये यू इधर गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर एक्स है क्या, नहीं है, कॉमन निकाल देंगे अपन डायरेक्ट पहले, चलो u तो है, sec स्क्वायर x कॉमन निकाले, क्या बचा, 1 प्लस log ऑफ tan x, log ऑफ tan x, ओके, हाँ, अभी u की वैल्यू क्या है, du by dx is equal to, u की वैल्यू आपके पास में दिया हुआ होगा tan x का पावर tan x, tan x का पावर tan x into, into नहीं, sorry, साथ में क्या है, sec स्क्वायर x, और बचा क्या है पे, 1 प्लस log ऑफ tan x, ओके, हाँ, ये हो गया अपना du by dx की वैल्यू, हो गई du by dx की वैल्यू, अब ये वैल्यू जैसे कि हम क्या पुट करेंगे, यहां पुट करने वाले हैं, ठीक है, तो इतना लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो इसको, बाद में लिखेंगे, तो अभी वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स था, ये वैल्यू पूरी पूरी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है, तो समझो एक बार लिख लेते अपन, ये वाई इधर जाएगा, अभी क्या बचा है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू टेन एक्स का पावर टेन एक्स
वन बाय वन इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ यू, तो डी डी एक्स ऑफ यू कितना है, जैसे कि सब बराबर लिख दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, इंटू में पूरा आएगा। उसके बाद में देखिए ये आपका आंसर हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है बाद में, ये वाई की वैल्यू रखेंगे अपन, एट एक्स की वैल्यू कितनी है पाई बाय फोर, यानी आपको जहां पे भी एक्स दिखता है वहां पे आपको पाई बाय फोर लिखना है। पाई बाय फोर का मतलब क्या आता है 45 डिग्री, कितना आता है 45 डिग्री, क्योंकि उसके बजाय अपन पहले वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है टेन एक्स का पावर टेन एक्स का पावर टेन एक्स, ठीक है, इनटू ये पूरा आएगा अभी टेन एक्स का पावर टेन एक्स इनटू सेक स्क्वायर एक्स बाय टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स इनटू टेन एक्स का पावर टेन एक्स इनटू सेक स्क्वायर एक्स इनटू वन प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स, ओके। उसके बाद में चलो अभी मैं ऊपर लिख के देने वाला हूं आपको, क्वेश्चन ने क्या बोला है देखिए, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, तो आपको क्या करना है पुट एक्स की वैल्यू कितनी पुट करना है पाई बाय फोर पुट करना है, कितनी पाई बाय फोर, जहां भी आपको एक्स दिखता है वहां पाई बाय फोर पुट करो, ठीक है ना। तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स टेन पाई बाय फोर, ठीक है, टेन पाई बाय फोर का पावर टेन पाई बाय फोर, ओके, हो गया आपका पहला ब्रैकेट। अब सेकेंड पे टेन पाई बाय फोर टेन पाई बाय फोर इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय फोर, यानी सेक पाई बाय फोर का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, अपॉन टेन पाई बाय फोर प्लस लॉग ऑफ टेन पाई बाय फोर इंटू टेन पाई बाय फोर का पावर टेन पाई बाय फोर इंटू सेक पाई बाय फोर का स्क्वायर इंटू वन प्लस लॉग ऑफ वन लॉग ऑफ टेन पाई बाय फोर। तो देखिए आपको इतना पता होगा कि बदलना है आपको tan पाई बाय फोर लग रहा है या और क्या लग रहा है sec पाई बाय फोर, ठीक है, tan पाई बाय फोर मतलब tan 45 डिग्री के यहाँ का आंसर होता है 1, कितना होता है 1, और sec पाई बाय फोर का होता है रूट टू, कितना होता है रूट टू, ठीक है, ध्यान रखना है आपको रूट टू होता है। तो अपन इसमें अभी क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, चलो देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन 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 हो जाएगा ना, टेन फोर बाई फाइव बाई फोर वन आता है, वन का पावर वन, ठीक है, इन इसका क्या आएगा वन का पावर वन, ये तो कितना आएगा रूट ऑफ टू का स्क्वायर अपॉन वन प्लस लॉग वन इंटू टेन 45 कितना आता है वन का पावर वन इंटू रूट ऑफ टू का स्क्वायर इंटू वन प्लस लॉग ऑफ वन, ठीक है, क्या होगा देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जरूरत नहीं वन ही आएगा पूरा, हाँ या आप देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट या वन है या कितना है सिर्फ टू बचा, टू बाई वन का मतलब टू बचा टू प्लस लॉग ऑफ वन एक प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे पूरा इंटू में है ना, पूरा इंटू में इसको देखने की जरूरत नहीं है फिर आपको, क्योंकि देखिए लॉग ऑफ वन की वैल्यू जीरो होती है, क्या होती है जीरो, प्रॉपर्टी लॉग की,
ध्यान रखना है आपको, log ऑफ वन की वैल्यू होती है जीरो, कितनी होती है तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, पूरा जीरो आ जाएगा, ठीक है जीरो, चेक कर लो, लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको क्योंकि सब इंटू में है, पूरा जीरो आएगा, ठीक है। तो dy by dx is equal to 0 plus 2, 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, आज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन हो चुका है।